वेलकम बैक टू एजेंडा 360 सिक्सटी शर्जील मेमन साहब से हम डिस्कशन ये कंटिन्यू करेंगे कराची के हालात पर ज़ाहिर बात हो रही है मिनिस्टर ऑफ़ इंफॉर्मेशन है सारी चीज़ों पर कड़ी नजर रखी हुई है इंक्लूडिंग एम क्यू एम सर एम क्यू एम का क्या करना है क्या सोचें एम क्यू एम के बारे में एक रियालिटी है आप भी जानते हैं कराची में रहेगी हो सकता है उसकी पावर ऊपर नीचे जाए लेकिन एक रियालिटी आपने डील करना है क्या प्लान है एम क्यू एम के हवाले से देखिए हाथ टूट गया वसान साहब का देखिए वसान साहब के ख्वाब के बारे में वो खुद बताएंगे लेकिन मैं ख्वाब नहीं देखता मैं एक आपको एक बात बताऊं कि मेरा तजिए ये है कि एम क्यू में एक रियलिटी है उसको हम कबूल करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ यहीं आपने कहा कबूल करते हैं उनका ये कहना है कि आप ये लियारी गैंग वॉर और अमन कमेटी के थ्रू उनकी जो टर्फ है पॉलिटिकल टर्फ है कराची में उस पर इंक्रोच कर रहे हैं और आप बंदूक और होम मिनिस्ट्री और हुकूमत की सरपरस्ती के ज़ोर पर अब इल्ज़ाम है आप उसका जवाब देंगे उसके ज़ोर पर एम क्यू एम की टर्फ जो है वो स्नैच कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो ये, ये कबूल करना मेरे, तो मेरे ख्याल ये उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं जो उनके फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका मैं जवाब दे चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने समझ तक मैं दोबारा दोबारा जवाब दूँ देखिए पीपल्स पार्टी जो उन्होंने इल्जाम कबूल करना तो नहीं हुआ ना देखिए पीपल मैं उनके इल्ज़ाम को देखें मैं डिनई करता हूँ हो सकता है उन्होंने सियासी किसी मकसद के लिए इल्ज़ाम लगाएँ किसी सियासी पिच में ये बात समझें एम क्यू एम या पावर में होती है या उस पर किसी ना किसी किस्म का ऑपरेशन हो रहा होता है या फिर कोई ना कोई एजिटेशन में क्यों होती है आपकी रिलेशनशिप एम क्यू एम के साथ देखिए हमारी कोई इस तरह की बुरी रिलेशनशिप नहीं है हमारे एम क्यू एम से अच्छे अच्छे ताल्लुक हैं लेकिन इशू ये है कि आ, पॉलिटिक्स को जो है ना बेस जो है वो प्योरली पॉलिटिक्स ही होना चाहिए ठीक है लेकिन अब, अब पॉलिटिक्स आवामी की अगर मसाइल रहे क्यू एम का आपसे मसला क्या है वो तो कहते हैं ये मसला है कि आप किलिंग रोकें तो हम संजीदगी से बात कर सकते हैं वापस आने ना आने की लेकिन आप पहले तो लोगों की किलिंग रोकें जो कि वो लोग कर रहे हैं बकौल उनके जिसके कुछ उज़रा आपकी हुकूमत के सरपरस्ती ना उजरा का उनसे नाम आता है ना आपसे आता है उजरा को छोड़ दें बात यह है उनका ये वो अगर इल्जाम लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि इल्जाम की सियासत का जवाब इल्जाम से दिया किलिंग्स हैं। बात, मसला है क्या, क्या? वो लगा रहे हैं कि लोगों की किलिंग उनके लोगों की किलिंग जो है वो ये उनके और उनके ये लोग क्या होते हैं आपके और मेरे लोग क्या होते हैं कोई भी शब्द अगर कोई मेरी पोलिटिकल पार्टी में है या आपकी पोलिटिकल पार्टी में है या आप अगर कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं मैं दूसरी लैंग्वेज बोलता हूँ उसका कोई फ़र्क नहीं है कि इसको आप लाशों पर बैठ कर करोगे ये चार मेरी ये तीन तेरी ये एक पुराना तरीका होगा और मेरे हिसाब से ये नहायती एक अब मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता सबसे ज्यादा गिरी हुई हरकत कोई नहीं कि आप लाशों पर बैठकर सियासत करोगे मेरे छह मारे गए मेरे आठ मारे गए सबसे पहले हम लोग पाकिस्तानी है मुसलमान है इंसान है अगर हम आज हमारी और जहां तक बात है कि वे फलानी कौम फलानी कौम को ज्यादा हो रही कोई कौम नहीं कौम सिर्फ एक है वो है पाकिस्तानी जुबान पांच सौ बात है ना जरा नहीं नहीं हम लोग पांच सौ बातें बोलो कौम सिर्फ एक है हम लोग वो पाकिस्तानी उसके बाद कोई कौन नहीं है देखें कौम सिर्फ एक है काज आजम ने पाकिस्तान दो कौमी नजरिए अलग किया था ना ये पंद्रह कौमी नजरों पर तो नहीं किया था अलग बात है हम कौम एक ही किए वो है पाकिस्तानी और वो पाकिस्तानी कौन होकर हमें रहना है और हमें ये जहन में बिठाना हम लोग पाकिस्तानी तो लैंग्वेज जो भी बोलते हो आप इस वक्त बड़े भाई की पोजीशन में है, हुकूमत में है आप ये चीज इंकल्केट किस तरह करेंगे पोलिटिकल कल्चर कराची के मैं आप पॉलिटिक्स को और दहशत गर्दी को अलग होना चाहिए दहशतगर्दी को नहीं होना चाहिए मैं, नहीं, हमें फर्क दहशतगर्दी कर करे किसी को करने नहीं देंगे उसे एक्सपोज करें हमने बहुत सारे टारगेट किलर्स पकड़े अब हमने ऐसे टारगेट किलर्स भी पकड़े हैं जो इंडिया से ट्रेनिंग करके आए ये किसके हैं देखिए दहशतगर्द दहशतगर्द वो है। तो है लेकिन उसको देखें दहशतगर्द तो वो ये वो वाला है जो किसी पैसे या किसी आइडियोलॉजी के तहत दहशतगर्दी कर रहा है कौन उनको इंडिया भेज रहा है और यही पूछ रहा हूं। मैं कि यही देखें यही मकसद क्या उसके जो बंदा अपने पाकिस्तानी किसी जो पार्टी या कोई शख्स अपने किसी पाकिस्तानी को भारत भेजे मैं कहता हूँ डूब मरने का मुकाम हो मुका भारत भेजे कि वहां, से कौन के कौन और वहां से ट्रेनिंग करके आओ कौन भेजे और वहां ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग किस चीज करके आओ कि यहाँ पे अपने लोग मरवाने बिल्कुल ये आप ये कौन कर रहा है ऐसी अब चीज़? जो भी कर रहा है मेरी बासण उस चीज पे नहीं जाने हमें नहीं जाना चाहिए हमें बताते मैं आपको बताऊँ की बात यह है कि हमें इस वक्त इस कॉम के खिलाफ जो साजिश हो रही है कराची में जो भी टारगेट के लिए साजिश इसमें बैरूनी हाथ भी हैं कौन से बैरूनी मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन मैं ये जरूर बता चीज का नाम ले सकते हैं नहीं मैं नाम ले सकता हूँ का? का ले सकता हूँ कि बैरूनी अनासर जरूर है जो इस मुल्क के खिलाफ इस कौम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इस साजिश का हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए नहीं, और कौन बन रहा है कराची में कौन बन रहा है कुछ लोग बन रहे हैं जो कुछ लोग कौन है नहीं बनना चाहिए कोई भी नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए लेकिन बन रहा है मुझे मुझे नजर ही आ रहा है ठीक है आप नाम नहीं लेना चाह रहे लेकिन मुझे नजर ये आ रहा है कि आप इस वक्त जो आपकी रिलेशनशिप है एम के साथ एक कैरेट एंड स्टिक गुड कॉप बैड कॉप इस तरह से चल रही है कि आप ये भी उन्हें बिल्कुल

पॉलिटिकल लेवल के तो आए ना चाहे ऑपोजिशन में रहें एम जरूरी तो नहीं है दोनों पावर में रहें लेकिन पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिक आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिक्स की जबान तो आपस में जो है एम क्यूम का इशू जो है एम क्यूम जो है उसमें उसके मैंडट एक है उस मैंडेट को हम सब एहतराम की निगाह से देखते हैं और हम ये समझते भी हैं कि एम क्यूम एक प्रोग्रेसिव जमात है जिस जिस जमत अगर जिस प्रोग्रेसिव की हम बात करते हैं कि अगर जमूर्त के लिए कोशिश की जाए और उस जमात में जो एक मॉडर्न सोच हो उसमें हम एम को अप्रिशिएट करते हैं इशू देखिये मुख्तलिफ जब दो एक घर में दो शख्स भाई भी होते हैं वो भी मुख्तलिशूज पे लड़ते हैं यहाँ लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई मैं बस वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके इशूज पे कोई भी इशू कोई अख्तलाफात हैं आप अख्तलाफ कर सकते हो सब चीज़ देखिए अख्तलाफा रहेंगे नहीं अख्तलाफा काफी हद तक आपका सच हो सकता है मेरी ख्वाहिश है कि जल्दी सच हो जल्दी होगी मेरी ख्वाहिश है कि जल्दी सब और, और जल्दी बहुत बहुत नहीं हो नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मूवमेंट जल्दी ट्रेजरी बेंचेस पे हमारे साथ बैठे और हम लोग जिस तरह पहले कहते हैं किलिंग्स बंद करें फिर बात होगी किलिंग्स बंद अब अगर वो इल्जाम वो लगाते रहेंगे तो फिर मैं कोई जवाब नहीं किलिंग्स ये नहीं कि आप खुद कर रहे हैं उनका मतलब है किलिंग्स बंद करने की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है वो हुकूमत जिम्मेदारी है हुकूमत कर रही है लेकिन कौन सी हुकूमत चाहिए कि उसके दौर में इ में जो है मासूम लोगों की जान जाने जो है जाय जाए और लोग हम पे उंगलियां उठाएं कौन सी हुकूमत जो है चाहे के के कल फैसल रजा आब्दी साहब मेरे शो पे थे जो एक मैं अलग फ्राइडे को हफ्ते में एक दफ़े एक शो करता हूँ उस पर कल फैसल रजा आबदी साहब थे उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अमन कमेटी की जो बातियात हैं उनको मैं जराय पेशा समझता हूँ लेकिन पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं और जो पहले के लोग जिनका था वो नहीं है जरायम पेशा उनका इस तरफ इशारा था एम क्यू एम के हवाले से उन्होंने कहा था कि एम क्यू एम जो है वो उसके साथ पहले काम कर चुके हैं और आगे भी करने को तैयार हैं लेकिन एम क्यू एम को भी अपनी चीज़ों पर नजरसानी करनी पड़ेगी लेकिन ये सारी चीज़ें अब किस तरफ जा रही हैं क्योंकि मैंने फैसल साहब को एक चीज़ कही थी मैंने कहा था देखें मैं भी वकील हूँ टी वी पर भी हूँ मैं नहीं चाहता कि ये हो कि आप अपना रोल अगर नहीं इफेक्टिवली एज़ गवर्नमेंट प्ले करेंगे तो कोई और जिस तरह आपके वज़ी अजम ने कहा कि कोई और ये रोल प्ले करें मैं नहीं मैं चाहूँगा आप ही प्ले करें मैं पर्सनली भी ये चाहूँगा लेकिन अगर आपने ये इफेक्टिवली नहीं प्ले किया और कराची के हालात नहीं सुधरे तो आप जानते हैं कि कोई ना कोई इसका फायदा उठा जाएगा देखिए कराची के हालात सुधरेंगे उसके लिए गवर्नमेंट किस तरह तो आखिरी तो आ... लम्हात हैं किस तरह सुधरेंगे कोई आखिरी लम्हात नहीं, नहीं आखिरी लम्हात नहीं मायूसी की, की कोई बात नहीं करनी चाहिए मैं आपको एक बात कि कराची के हालात बिल्कुल सुधरेंगे इन शाला जिस तरह टारगेटेड एक्शन हो रहा है और अगर ईमानदारी से इस तरह चलता रहा ईमानदारी से हो रहा है इस पर टारगेटेड एक्शन इसमें मजीद बेहतरी की जरूरत है मैं मानता हूँ लेकिन ये होगा इनशाला जितनेकड़े जितने जाए जितने मेरी, मेरी जितने तो अगर पकड़े जाना बहुत अच्छा है ये पकड़े जाए लेकिन बात यह ले बनाने की फैक्ट्री है वो क्या है वो माइंड सेट माइंड जो इनको टेररिस्ट बना रहा है जो उनको यूज कर रहा है मुख्तलि के लिए कोई भी शख्स है या कोई और एक भी नहीं हो सकता ये शख्स ये कोई एक किसी एक आदमी का काम नहीं है टेररिस्ट बनाने की जो जो फैक्ट्री है है पे लगी हुई है, खास पे में, तक बंद और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर एक फैसला करना पड़ेगा कि टेररिस्ट बनाने की फैक्ट्री हमें बंद करनी पड़ेगी जो कि शहरों में इस वक्त चल रही है एक तो एक तो हमारी मजहबी जमात मजहबी जमातों में टाइम फ्रेम नहीं दे रहे आप सबको कोशिश करनी पड़ेगी उसमें जिस दिन जिस दिन हमारी स्टेबलिशमेंट गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक नुकते पे पहुंचेंगे कि अब ये टेररिस्ट बनाने की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए उस दिन हालात बताए थैंक यू वेरी मच शर्जील मेमन साहब ने एटलीस्ट कंसेपचुअली और स्ट्रेटिजिकली जो इनकी पॉलिसी है उसके बारे में बहुत खुल के बात की कुछ नाम हैं जो वो नहीं लेना चाहते थे शायद ये मुफायमत का अमल है शायद सियासत के लिए यही बेहतर है लेकिन इवेंचुअली जो बद है उसे बद बोलना भी पड़ेगा और वो क्या है और कौन है इसके बारे में भी हमें पता करना पड़ेगा मुसीबत यह है कि जब तक के पाकिस्तान की कराची की पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाती तो बहुत मुश्किल है कि किसी भी तरह का ऑपरेशन कामयाब हो ये जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर वाइज इसमें जो है बिला तफरीक चलना ज़रूरी है इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है ऑपरेशन को लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल रिकनसेलीशन की भी ज़रूरत है ताकि आर्मी का रोल जो होना चाहिए वही रहे और अगर वो आएँ तो एज अ टूल ऑफ़ द स्टेट आए और हेल्प में आए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हम सब चाहते हैं कि ना हो आप हमें लिख सकते हैं एट एजेंडा थ्री सिक्सटी एट सी एन बी सी पाकिस्तान डॉट कल दस बज के दो मिनट पर एक और शो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे